नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये दो कलर का 30 फंदे का डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसको मैंने दो कलर में बनाया है छह, और ये बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार हो गया। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ये दो कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है, और ये देखिए इसमें मैंने फंदे डाल रखे हैं। तो ये मैंने इसमें 24 फंदे ये ग्रीन से डाले हैं और 6 फंदे हमने व्हाइट से डाले हैं। तो ये देखिए हम डिज़ाइन पहली स्लाइस से करेंगे, तो हमने टोटल 30 फंदे का ये डोरमेट बनाया है। तो ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आएंगे, और इसको देखिए यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया, तो ये हमने 6 फंदे डाले थे, तो हम व्हाइट से 6 भी नहीं, एक हमने बढ़ाया है तो हमारे 7 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे मिले, एक फंदा ये हमारा बचा है। इसको अब हम ग्रीन से बिनेंगे, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट रखेंगे, और इसको हम ये वाइट वाले को ग्रीन से बिन लेंगे। ये देखिए, और ये बाकी सारे फंदे अब हम ग्रीन से बिनेंगे। ये देखिए यहाँ ये दो फंदे रह जाएंगे तक हम ये सारे फंदे ग्रीन से बनाएंगे। यहां तक बिन लेंगे हम ऐसे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने ग्रीन के सारे फंदे यहां से यहां तक बिन लिए हैं, ये देखिए, और ये दो फंदे हम छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमाएंगे और यहीं से सलाई पलट लेंगे। पलट के अब हम सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड में ये देखिए ये दो फंदे छोड़ के अब हम बाकी फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। देखिए यहां तक हम ग्रीन वाले पूरे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने ग्रीन के सारे फंदे बिन लिए इस तरह से उल्टे उल्टे, और इस धागे को पीछे करेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये व्हाइट वाले को खींच के आगे लाएंगे इस तरह से, और ये व्हाइट के हमारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे हैं, ये हर बार 6 रहेंगे, ये फंदे ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। अब ये हमारे फंदे 6 हैं तो 6 ही रहेंगे। तो अब यहीं से हम सलाई पलट के अब ये फिर से उल्टी साइड में आ गए। सीधी साइड हमें हर बार ऐसे ही बनाना है, जोड़ हमें इसी तरह से बनाना है, नहीं तो ये अलग अलग खींचा खींचा रहेगा। और अब हम सलाई पलट के पहले फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, और ये देखिए अब एक फंदा, अब हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, और ये एक फंदा हमारा यहाँ हर बार बढ़ता है। तो ये देखिए हमारे तो ये 7 फंदे हो जाते हैं व्हाइट के, तो हम इनको 6 बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बिने, और एक फंदा जो हमारा बढ़ेगा इसको हम ग्रीन से करेंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे और इसको हम ग्रीन से बिन लेंगे इस तरह से। और सभी फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिन के तैयार करेंगे। ये देखिए सब को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे यहाँ तक बिनेंगे। अभी दो फंदे हमने छोड़े थे, अब दो फंदे और छोड़ेंगे, तो यहाँ 4 फंदे तक बिनेंगे। अब ये देखिए हमने ग्रीन के सारे फंदे बिन लिए, उस बार हमने दो फंदे छोड़े थे, दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो अभी हमारे ये यहाँ पे 4 फंदे हो गए, और यहीं से सलाई पलट लेंगे। अब हम सीधी साइड आएंगे और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ये ग्रीन वाले बिन लेंगे। ये उल्टा उल्टा ये यहाँ तक हम ग्रीन के फंदे उल्टा उल्टा ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक बिन लेंगे।
अब ये देखिए हमने सारे फंदे ये ग्रीन वाले उल्टे उल्टे बिंदे हैं। अब इस धागे को ऐसे पीछे करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको व्हाइट वाले को ऐसे खींच के आगे लाएंगे। ये हमें हर बार करना है क्योंकि ये हमारा जोड़ है, नहीं तो ये खींचा खींचा सा रहेगा। और इस धागे को ऐसे खींच लेना है तो एकदम ये सफाई से किनारी आएगी। और ये फंदे हम व्हाइट वाले छः फंदे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 फंदे, इनको 6 ही रखें, हर बार रहेंगे। और ये इस तरह से ये हमारी किनारी बन रही है। अब हम धागा यहीं से पलटेंगे और फिर से उल्टी साइड आएंगे, सीधी साइड हमें हर बार ऐसी बनानी है, ग्रीन वाले ग्रीन से, और यहाँ पे हमें जोड़ उसी तरह से बनाना है। अब ये देखिए फिर से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और फिर एक फंदा हमने ये फिर बढ़ा लिया। ये देखिए एक फंदा बढ़ाया और ये 6 फंदे बिनेंगे, तो हमारे ये 3 फंदे, 4 5 6 6 फंदे हो गए। जो हमने एक फंदा बढ़ाया वो यहाँ पे बच गया, इसको हम इस धागे को ऐसे करेंगे और ग्रीन से बिन लेंगे इस तरह से। और सभी फंदे अब हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये हर सलाई में एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ता है और ये देखिए, और सभी फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। अभी ये हमारी तीसरी सलाई है, ये देखिए, अब ये देखिए हमने सारे फंदे अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अब ये देखिए दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, तो अभी यहीं से धागा पलटेंगे और सीधी सलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। और जब हम फिर से उल्टी साइड में, ये देखिए सीधी सलाई जो जैसा कलर है वैसे बना के कंप्लीट करें। अब ये देखिए हमने सीधी सलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आए, ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा हमने फिर बढ़ाया। ये देखिए हम हर सलाई में एक फंदा बढ़ा रहे हैं और ये 6 फंदे ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारे 3 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी हमने 6 फंदे बिने और जो फंदा हमने बढ़ाया था वो यहाँ पे बच जाता है। अब इसको ऐसे और एक फंदा अब हम इसको ग्रीन से कर लेंगे और ये सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिनेंगे और दो फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे। इसी तरह से ये हमने टोटल 30 फंदे डाले हैं, तो हम दो दो करके 30 फंदे छोड़ेंगे, 30 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारे एक एक फंदा बढ़ेगा तो 15 फंदे बढ़ जाते हैं। जब हम पूरे 30 फंदे छोड़ देंगे और 15 बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और जो ये एक बचेगा उसको हम ग्रीन से बिन लेंगे। उसके बाद में हम इसी तरह से पूरी सलाई हमें बिननी है जो इसी तरह से, और दो दो फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे हम दो दो करके 30 फंदे छोड़ेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने दो दो करके फंदे छोड़ दिए, तो अभी ये देखिए हमने दो, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 फंदे छोड़ दिए हैं। अभी दो फंदे और बाकी हैं छोड़ने, तो हमने यहाँ पे 30 फंदे छूट जाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, ये देखिए, और एक फंदा हम फिर से, ये 3 1 2 3 4 5 6 6 बिन लिए और इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको हम टाइट करके बिन लेंगे। तो ये देखिए 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 और ये 15 15 फंदे हमने भी लिए और दो फंदे हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो अभी हमारे ये टोटल 30 फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और ये 15 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। और यहीं से हम सलाई पलट लेंगे, ये देखिए अब ये हम सीधी साइड में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू से दो दो करके हमने यहाँ 30 फंदे छोड़ दिए और यहाँ पे हमारे 15 फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं और ये हमारी लाइनें भी 15 हो गई, 1 2 3
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ये 15 लाइनें यहाँ से यहाँ तक 15 लाइनें भी हो गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लाइनें। और अब हम ये सीधी सिलाई के सारे फंदे ये इस तरह से हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, धागा पीछे, ये नौ फंदे हो गए। और इसको खींच के आगे लाएंगे तो ये देखिए दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ये 15 फंदे हो गए जो हमारे बड़े हुए हैं। तो अभी हमारे टोटल हो गए ये 30 के बाद में 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 फंदे अभी हमारे ये हो गए हैं। तो अब हम इनको ये देखिए जिस तरह से हमने ये फंदे बढ़ाए थे, अभी हमारी हाफ कली बनके तैयार हो गई है। अब हमने जिस तरह से फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हम घटाएंगे। अब ये देखिए पहला फंदा इस धागे को ऐसे घुमा लेंगे, अभी हमें यहाँ से कलर चेंज करना है। तो अब ये फंदे को अब ये हाफ कली हम अलग कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से अभी ये देखिए यहाँ पे हम ये दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो इस फंदे को हमने उतारने के बाद में इसको ऐसे कर देंगे और इससे हम ये देखिए दो का एक कर देंगे। ये देखिए दो फंदे का हमने एक कर दिया और ये हमने बिन लिए। तो ये हमारे एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए, एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये हमारे छः फंदे, ये बॉर्डर वाले जो किनारी है ये छः फंदे हो गए, ये छः फंदे छः ही रहेंगे। अब इन फंदों को हम अब ये वाइट से बिनेंगे। तो किस तरह से ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमने ये बिन लिए। तो ये हमारे यहाँ पे हमने भी टोटल फंदे हो गए हैं दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह और ये दो चौदह, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया। तो ये आठ फंदे हैं, तो ये हमारे चौदह फंदे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। अभी हम दो फंदे बिना बिने लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे पंद्रह सोलह, ये हमने दो फंदे बिना ले लिया। अब इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब इस फंदे को इसी में पिरो देंगे और सीधी सिलाई में हम पूरा ऐसे ये वाइट वाले सारे फंदे ये हम वाइट से बिनेंगे। ये देखिए ये हमारे वाइट के फंदे यहाँ तक हैं, उन सारे फंदों को अब हम ये बिन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए ये सभी फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब धागा पीछे, अब हमारे यहाँ पे ये छः फंदे, ये हमने व्हाइट वाले सारे फंदे बिन लिए। अब ये हमारे छः फंदे हैं जो ग्रीन के, इस धागे को हमने ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। अब ये छः फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये एक फंदा हमने उतारा था इसको भी बिन लेंगे। तो छः, छः फंदे हमारे ये ग्रीन कलर के हो गए। अब यहीं ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी साइड आएंगे तो यहीं से सिलाई पलटेंगे। अब ये देखिए इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे इस तरह से और अब ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे और एक, अब हम दो फंदे का फिर एक, अब हमें फंदे जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सिलाई तक फंदे बढ़ाए हैं, अब हम इन 15 सिलाई तक फंदे घटाएंगे। तो अभी हमने इस बार एक फंदा घटाया था, इस बार भी एक फंदा घटा देंगे। तो हम ये दो फंदे को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए दो का एक कर दिया इस तरह से और सारे फंदे अब हम, ये देखिए तीन हो गए चार और ये पांच, पांच फंदे हो गए। अब हम एक फंदा यहाँ से ले लेंगे तो ये हमारे छः, छः फंदे ग्रीन के ये हर बार रहेंगे और ये फंदे अब घटना शुरू होंगे। जैसे एक एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया था, अब एक एक फंदा अब घटाना शुरू करेंगे। तो अब बाकी फंदे अब हम व्हाइट वाले पूरे व्हाइट से बिन लेंगे। ये देखिए ये पूरे फंदे हमारे जितने व्हाइट के होंगे हर बार फंदे बढ़ेंगे तो उनको हम पूरा व्हाइट से बिन लेंगे। ये देखिए अभी हमने पूरे व्हाइट वाले फंदे बिन लिए पूरे व्हाइट से। अब ये दो फंदे ग्रीन के हम फिर से ले लेंगे। ये देखिए दो फंदे हमने फिर से ले लिया।
अब फिर एक फंदा उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के और सलाई पलट लेंगे। अब हम सीधी साइड में आ गए और इस फंदे को हम उतार लेंगे और इसको टाइट करके अब हम व्हाइट वाले सारे फंदे व्हाइट से बिनेंगे और ग्रीन वाले ग्रीन से बिनेंगे। इसी तरह से हम ये सलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। सीधी सलाई हमें ऐसे ही बनाना है, जोड़ में हमें फंदा टाइट रखना है, नहीं तो ये यहाँ पे जैसे ये देखिए मेरा कितना सफाई से किनारी आई है, उतनी ही सफाई से किनारी अब ये वापस जाएगी। अब ये देखिए हमने सीधी सलाई पूरी बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार लिया, ये हर बार उतारेंगे। अब ये हम दो फंदे का एक फंदा हम फिर से कर देंगे। ये देखिए ये हमने दो का एक कर दिया और सभी फंदे अब 3, 4, 5 हो गए। एक फंदा हम यहाँ पे घटाते हैं तो 5 फंदे हो जाते हैं, एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे तो ये हमारे 6 हो गए। और इसको टाइट कर लेंगे और ये इसको खींच के ही बनाएंगे तो यहाँ किनारी हमारी ये सफाई से आएगी। और इस तरह से बनाने से ये देखिए किनारा भी हमारा इस तरह का आएगा और ये बहुत अच्छे से डोरमेट तैयार होगा। और ये सफ़ेद वाले पूरे फंदे अब हम व्हाइट वाले यहाँ तक बिनेंगे। ये देखिए अब हमने इसी तरह से हमें ये बनाना है। ये देखिए हम पूरे व्हाइट वाले फंदे इसी तरह से बिन लेंगे। ये देखिए बिन लिया और इस फंदे पे हमने देखिए ये लूप लगाया है और ये दो फंदे हम ग्रीन के फिर से बिनेंगे तो एक लूप वाला है और एक एक्स्ट्रा है। ये देखिए अब हमने दो फंदे फिर से ले लिए। अब हम फिर यहाँ पे पिरोएंगे और इसको यहीं से उतार लेंगे। अब धागा यहीं से घुमा के सलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में हम पूरा ये देखिए ये पहला फंदा अब इस फंदे को जिसको हमने लूप लगाया था इसको उतार लेंगे, बिनेंगे नहीं। और इसको टाइट करके हम अगले फंदे ये देखिए इस तरह से हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए अब हम पूरे व्हाइट वाले व्हाइट से और ग्रीन वाले ग्रीन से बना लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए फिर से हम उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे घुमाया। अब ये हम दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो का एक ये देखिए ये बनाएंगे और ये हमने दो का एक कर दिया। अब ये देखिए बाकी फंदे अब हम बिन लेंगे तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एक फंदा हमारा यहाँ पे घट गया तो ये ग्रीन के 5 ही फंदे हर बार रहते हैं और एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे तो हमारे ये 6 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा घट जाता है तो एक फंदा हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए और बाकी फंदे अब हम वाइट के पूरे ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे और ये देखिए हमारी अब ये नोक इस तरह से बन रही है। अब ये हमारी डिजाइन अब ये नीचे की ये देखिए ये नोक हमारी इस तरह से बन रही है, अब ये हमारी डिजाइन नीचे की तरफ जाएगी। तो ये देखिए हम पहला अब ये सारे फंदे अब हम फिर से व्हाइट वाले ऐसे उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए हमने बिन लिए और ये दो फंदे हम फिर से बिना बिने लेंगे। ये देखिए ग्रीन वाले अब हमने दो फंदे फिर से ले लिए। ये हम हर सलाई में दो दो फंदे लेते हुए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अब ये एक फंदे पे हम फिर से ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सलाई पलट लेंगे, फिर सलाई से घुमाएंगे और इसको टाइट करके हम ये व्हाइट वाले सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये देखिए और ये पूरे फंदे यहाँ से व्हाइट वाले व्हाइट से गिर सके इसी तरह से अब हम ये देखिए पूरे फंदे अब हम ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर दी। सीधी सिलाई में जो जैसा कलर है वैसे बनाना है, जोड़ को हमें टाइट करके बनाना है। तो ये देखिए हमारी कितनी सफाई से किनारी आ रही है। अब हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, अब ये दो का एक कर दिया। ये हमें हर सिलाई में एक एक फंदा घटाना है तो ये देखिए 2, 3 अब एक फंदा हमारा यहाँ से कम हो जाता है तो ये हमारे हो जाते हैं 5 फंदे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए और इसको टाइट कर देंगे और सारे फंदे हम व्हाइट के व्हाइट से बिनेंगे। यहाँ पे हमने जैसे एक एक फंदा बढ़ाया था अब हम यहाँ पे एक एक फंदा घटाते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं
और ये व्हाइट वाले सारे फंदे बांटे हैं, दो फंदे हम फिर ग्रीन से लेंगे इसी तरह से। और सीधी सिलाई हमें जो जैसा कलर है वैसे ही बना के कंप्लीट करना है, इसी तरह से हमें पूरा बनाना है जैसे ही हमने। और ये यहाँ पे एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे, यहाँ से दो दो फंदे लेते हुए जाएंगे, जब ये लास्ट में दो रह जाएंगे, यहाँ पे दो फंदे ये बचेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और ये सारे फंदे अब हम ऐसे बना लेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिए हैं, अब ये हमारे एक दो तीन चार, चार फंदे रह गए हैं। और ये हमारी ये देखिए कितनी सिलाइयाँ हुई हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब ये हमारी तेरह इधर हो गई हैं, ये पंद्रह यहाँ से यहाँ तक थी, अभी हमने तेरह बना ली हैं, अभी दो और बनानी है तो हमारी चौदह और पंद्रह हो जाएंगी, तो ये हमारी पूरी कली कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, अब ये दो फंदे का एक फंदा हम कर देंगे इस तरह से, ये दो का एक कर दिया और ये हमारे हो गए तीन चार पाँच, और एक फंदा हम यहाँ से ले लिए तो ये हो गए छः, छः फंदे हो गए। अब इस धागे को टाइट करेंगे और ये बाकी लाइन अब हम पूरी लास्ट तक इसी तरह से ये पूरे व्हाइट फंदे यहाँ तक हम उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरे व्हाइट फंदे बीन लिए, अब ये दो फंदे हम ग्रीन वाले फिर से ले लेंगे, ये देखिए अब ये दो फंदे बचे तो एक फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। पलट के अब हम फिर से ये सीधी साइड में आ गए, सीधी साइड में इस फंदे को इसी में पिरो देंगे और इसको टाइट करके हम सारे फंदे अब हम वाइट वाले वाइट से और ग्रीन वाले ग्रीन से पूरा बिन के कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। ये पूरी लाइन वाइट वाली ऐसे वाइट से बनाएंगे और ग्रीन वाली ग्रीन से बनाएंगे। अब ये देखिए हमने पूरे ये व्हाइट वाले फंदे यहाँ से यहाँ तक मिले, अब इस धागे को पीछे करेंगे और इसको टाइट करके आगे लाएंगे, ये देखिए अब ये ग्रीन वाले फंदे पूरे ये छह फंदे हैं, इसको ग्रीन से बिनेंगे उल्टा उल्टा, ये देखिए अब ये देखिए यहीं से सिलाई अब पलट के अब हम सीधी ये उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड में अब ये देखिए अब हमारे ये दो फंदे हमको यहाँ पे बनाने हैं और ये पूरी सिलाई में हमने एक एक फंदा, तो अभी हमारी यहाँ पे टोटल हमने ये चौदह लाइनें बिन ली हैं। ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अब एक लाइन और बाकी है तो हमारी ये पंद्रह हो जाएंगी जैसे हमने शुरू में यहाँ पे बनाई थी। तो अब हमको यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है, तो जैसे हमने अब हमें कलर यहाँ पे चेंज करना है तो किस तरह से, अब ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे और ये दो फंदे, अब ये हम ये देखिए अब ये फंदे हम पूरे वाइट से बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, एक फंदा हमने उतारा है तो ये चार फंदे हो गए, एक फंदा ग्रीन का तीन फंदे वाइट के, तीन चार और ये पांच, तो ये हमारे छह फंदे हो गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हो गए। अब इन अभी हमें एक फंदा यहाँ पे घटाना है तो हम ये दो फंदे का एक फंदा अब ये ग्रीन से कर देंगे, ये देखिए और ये पूरी लाइन अब हम ये यहाँ तक, ये देखिए पूरे सारे फंदे अब हम ग्रीन से बिन लेंगे, ये देखिए इन सभी फंदों को अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा ग्रीन से बना लेंगे। अब ये देखिए सारे फंदे हमने ये ग्रीन से बिन लिए, अब ये दो फंदे ग्रीन के ये थे इनको हम ग्रीन से ही बनाएंगे, ये देखिए एक दो, अभी हमने दो दो करके सारे फंदे यहाँ तक ले लिए हैं। अब हम सिलाई यहीं से पलटेंगे और ये देखिए अब हमारी एक कली यहाँ से कंप्लीट हो गई है, अब हमें यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होनी पड़ेगी। अब तो ये सीधी सिलाई है, इसको ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से
सारे फंदे अब हम ग्रीन वाले, ये ग्रीन वाले पूरे फंदे ग्रीन से, और ये व्हाइट के ये हमारे पूरे, हम अब यहाँ तक 6 फंदे ये व्हाइट से बिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन से, बाकी सारे फंदे व्हाइट से बिनेंगे। अब ये हम पूरी लाइन ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ग्रीन से बिन लिए। अब ये फंदे हैं, इस धागे को पीछे करेंगे, इसको खींच के अब हम ये व्हाइट वाला आगे लाएंगे, और ये सारे फंदे व्हाइट वाले व्हाइट से बिना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये हमने पूरी सलाई बिन ली। अब यहीं से हम सलाई पलट के अब हम फिर से उल्टी साइड में आएंगे। ये देखिए अब हमारी ये एक कली पूरी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी, तो दूसरी कली स्टार्ट करेंगे सेम जैसे हमने यहाँ पे ये डाले थे फंदे ग्रीन के। अब ग्रीन के हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये जिससे हमने शुरू में ग्रीन के 24 फंदे डाले थे और 6 फंदे व्हाइट के डाले थे, तो उसी तरह से अब हम वहीं पे आ गए। तो ये हमारे 24 फंदे ग्रीन के हो गए और ये 6 फंदे व्हाइट के, तो अभी हमारे टोटल 30 फंदे हो गए जैसे हमने शुरू में डाले थे। अब हम ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे सेम इसी तरह से, अब हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे और इसको बिनेंगे 6 फंदे। तो अभी हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 6 बिन लिए। अब एक फंदा हमारा ये बच गया, तो इसको अब हम इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम ग्रीन से बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया। अब हम एक एक फंदा करके बढ़ाएंगे और ये पूरी लाइन यहाँ तक ग्रीन से बिनेंगे और 2 फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे। इसी तरह से हम 30 फंदे हमने डाले हैं, तो 30 फंदे तक 2-2 करके हम पूरे छोड़ेंगे और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 15 फंदे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे इसमें ये जो बढ़ जाएंगे 30 फंदे और ये 15 फंदे वो, तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं हमारे पास 45 फंदे। इस तरह से ये हमारा ये बड़ा सा 45 फंदे का डोरमेट बन के तैयार होता है। अब ये देखिए इसी तरह से अब हम बनाएंगे, यहाँ जाएंगे 2 फंदे छोड़ेंगे, इसी तरह से रिपीट करेंगे, तो ये हमारा ऐसे कली वाला बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने ये इतना बना लिया है, ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है हमारा। इसी तरह से हम पूरा भी बनाएंगे तो बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। नमस्कार।